अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एंड सेफ। स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ लॉगरिथम। व्हाट आर द लॉज ऑफ लॉगरिथम एंड वी विल डिस्कस देयर प्रूफ्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल सी दैट व्हाट आर द यूजेस ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके इस लेक्चर में प्रूव करेंगे और उसके बाद वी विल डिस्कस सम एग्जांपल टू सी दैट व्हाई प्रोडक्ट लॉ, क्वोशेंट लॉ एंड पावर लॉ आर यूज्ड इन अरिथमेटिक मैथ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लॉ की तरफ चलते हैं। तो प्रोडक्ट लॉ जो यहाँ पे है, इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? इसकी स्टेटमेंट है कि लॉग ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द लॉग्स। ठीक है, कोई भी अगर आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका आप लॉग लेते हैं तो वो इक्वल होगा कि हम अगर उसके फैक्टर्स का लॉग लें और उन सबको ऐड कर दें। ठीक है, ये देखिए एम एन यहाँ पे इसके फैक्टर्स के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। प्रोडक्ट के फैक्टर्स हैं ना, तो उनको मैंने इंडिविजुअली जब उनका लॉग लिया और उनको ऐड किया तो वो इसकी कलेक्टिव प्रोडक्ट पे अगर हम लॉग अप्लाई करें तो वो उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसके प्रूफ को डिस्कस करूँगी, उसके बाद जो है एग्जांपल से बताऊँगी। अभी तो मैं जर्नल बात कर रही हूँ, जब हम इसको एग्जांपल से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज log of am is equal to x। ठीक है, log of m to the base a is equal to x। this implies that a of x is equal to m। ठीक हो गया, ये logarithmic form थी और ये इसकी exponential form है। इसी तरह से log of n to the base a is equal to y। This implies that a y is equal to n। ठीक हो गया, नाउ द प्रोडक्ट इज m into n। तो मैं यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड को therefore m into n is equal to a x into a y। ठीक है, अगर मैं राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो m इंटू एन इज इक्वल टू ए एक्स इंटू ए वाई। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, लेट्स सपोज ये आपकी सेकेंड। इनको दोनों को मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, अब m इंटू एन का आंसर क्या होगा? a बेसिस आर द सेम एंड देयर एक्सपोनेंट्स आर एडिड। ठीक है, बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे, x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, ये कौन सी आपकी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो आई कैन राइट इट इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। व्हाट विल बी द इट्स अ लॉगरिथमिक फॉर्म, ए विल कम एज बेस, ठीक है, एम एन एज अ नंबर एंड एक्स प्लस वाई एज एक्सपोनेंट। ठीक हो गया, तो यहाँ पे लॉग ऑफ एम एन टू द बेस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब हमने x की वैल्यू क्या सपोज की थी? लॉग ऑफ m टू द बेस a, तो यहाँ पे मैं उसको सब्सिट्यूट कर दूंगी, लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस y की वैल्यू क्या सपोज की थी? लॉग ऑफ n टू द बेस a, और ये आपकी की फाइनल जो है वो इक्वेशन बन गई, विच शोज दैट log of a product is equal to the sum of the logs of its components। ठीक है, जो भी इसके components हैं या factors हैं उनका हम log लेंगे और उसको add करेंगे तो वो equal होगा अगर हम उस product पे collectively log apply करते। ठीक है, तो ये इसकी यही इसका proof है और इसी को हमने जो है अब use करना है कि हम एक example करते हैं just to see के वट इज़ द यूज ऑफ द प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। लेट्स सपोज के हम चलें, आप सपोज कर लें कि मेरे पास कोई भी कैलकुलेटर या कोई भी और वे नहीं है
टू रीच द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, ठीक है, कोई भी अदर वे नहीं है टू रीच द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मुझे चाहिए और उस पे मैं लॉगरिथमिक वे से देखूंगी कि उस अगर नंबर्स पे मैं अप्लाई करूँ लॉग तो हाउ कैन आई ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है. लेट्स सपोज नंबर्स हैं कि लेट कर लेते हैं कि मेरे पास कोई नंबर है x इज इक्वल टू 10 इंटू 20. ये मैंने खुद से सिंपल सा नंबर सपोज किया है और आपको पता है कि इसकी प्रोडक्ट क्या होगी. अब वो तो आपको पता है कि इसकी प्रोडक्ट क्या होगी. अब हम देखेंगे कि इज देयर एनी वे टू यूज़ द लॉगरिथमिक रूल्स टू ऑब्टेन दिस नंबर द टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, ठीक है, जो कि इसकी प्रोडक्ट होगी उसको हम लॉगरिथमिक वे से उस तक पहुंच सकते हैं. तो हम ये यहाँ पे देखेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे मैं इस पर सबसे पहले, क्योंकि मैं लॉगरिथमिक वेज यूज़ कर रही हूँ तो मैं लॉगरिथम अप्लाई करूँगी. लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 इंटू 20, ठीक हो क्या. अच्छा, यहाँ पे मैं बेस पुट नहीं कर रही बिकॉज आई विल यूज़ द लॉगरिथमिक टेबल डैट डील्स विद द बेस ऑफ 10. तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे लॉग की बेस क्या है, 10 है, ठीक है. अब लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब आप टू नंबर्स की प्रोडक्ट है तो आप उसे सम की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो यहाँ पे मैं लॉग ऑफ 10 प्लस लॉग ऑफ 20 लिख रही, ठीक हो क्या. अब ये जो है, यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक बात और यहाँ से अब आ गई है तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर किसी भी लॉग की, लॉग का नंबर और उसकी बेस सेम हो, जैसे ये कि ये है, जैसे कि ये है लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2, लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, तो इनका आंसर जो हमेशा इक्वल टू 1 होता है. इसका आंसर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है क्या. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1. इसको तो सॉल्व मुझे करना नहीं पड़ा क्योंकि वैसे मैंने वैसे ही नंबर ले लिया था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये लॉगरिथमिक रूल है कि अगर बेस और नंबर सेम हो. और ये होता क्यों है, देखें अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगी, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि ये इसका आंसर क्या होगा. अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगी तो यहाँ पे लेट्स सपोज कर लेते हैं एक्स है, तो क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया. तो यहाँ पे आप देखें बेस से सेम है तो देयर एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1. इसी तरह से हर केस में होगा. अगर यहाँ पे 10 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 10 होता तो 10 की पार क्या थी, वो भी 1 थी, तो x इज इक्वल टू 1. दैट्स वाई इफ द नंबर एंड द बेस आर द सेम देन द आंसर ऑफ द लॉग विल बी इक्वल टू 1, ठीक है. तो यहाँ पे 1 आ गया. अब हम log 20 लेते हैं, log 20 का, ठीक है. अब आप इसको मैं कहीं साइड पे सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे यूज़ कर लेते हैं. अब पेज पलटेंगे तो मसला होगा, ठीक है. log 20 जो है उसको हम देखेंगे. सबसे पहले तो आप देखें इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है. करेक्टरिस्टिक इसकी है 2.0 × 10⁻¹⁰, क्या आ जाएगा, 1, ठीक है. इसकी करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, 1 है, ठीक हो गया. उसके बाद हम देखेंगे कि इसका मेंटिसा क्या है. तो मेंटिसा के लिए हम 20 को 0 के कॉलम में देखेंगे, 20 को 0 के कॉलम में देखेंगे. तो यहाँ पे 20 जो है 0 3 0 1 0, क्या आंसर आ गया, 3 0 1 0, ठीक हो गया. अब ये आपका क्या आ गया, मेंटिसा आ गया, ठीक है. और आपकी करेक्टरिस्टिक क्या थी, आपकी करेक्टरिस्टिक थी 1, तो आपका आंसर क्या बन गया, 1.3010. 20 को 0 के कॉलम में चेक करेंगे, ठीक है. जैसा कि मैंने यहाँ पे मेरे पास लॉगरिथमिक टेबल पड़ा हुआ है तो मैंने वहाँ से चेक किया, ठीक है. नेक्स्ट मीन डिफरेंस कॉलम, क्योंकि 0 से स्टार्ट ही नहीं होता, वो 1 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए बस 20 को आप 0 में देखेंगे और आपके पास आपका लॉग आ जाएगा 1.3010. दैट इज इक्वल टू 2.3010. ये आपका लॉग आ गया x का.
अब मुझे तो वो एक्स नंबर चाहिए, ठीक है। मैंने तो देखना है कि इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगी, और प्रोडक्ट तभी आएगी, ठीक है, कि आप इस नंबर को दोबारा से रिट्रीव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं जो इस पे क्या अप्लाई करूँगी, एंटी लॉग अप्लाई करूँगी लॉग ऑफ एक्स पे, ठीक है। यहाँ पे भी एंटी लॉग अप्लाई करूँगी, तो यहाँ पे 2.3010 पे एंटी लॉग जब अप्लाई करूँगी तो इसकी करेक्टरिस्टिक 2.30 को मैं देखूंगी एंटी लॉग के टेबल में, 0.30 को एंटी लॉग के टेबल में देखूंगी 1 में। तो ये बच्चों आ रहा है 2000, ठीक है, 2000 यानी पॉइंट। और इसके बाद 0 के मीन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे तो आपको पता है कि मीन डिफरेंस कॉलम जो है वो स्टार्ट ही 1 से होता है, तो इट मीन्स के 0.200 आपके पास जो है वो आपका एंटी लॉगरिथमिक वैल्यू आ गई। अब हमने करेक्टरिस्टिक जो है इसकी 2 है, करेक्टरिस्टिक जब 2 है तो इट मीन्स क्या होगा कि मैं इस डेसिमल में 2+1 करूंगी तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3। इट मीन्स कि मुझे डेसिमल को राइट साइड पे 3 डिजिट्स मूव करना है। कल भी मैंने आपको एंटी लॉगरिथमिक जब हमने अपना लेक्चर किया था, तो एंटी लॉग जब मैंने आपको समझाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब पॉजिटिव वैल्यू होती है तो उसमें 1 ऐड करते हैं, नेगेटिव में 1 ऐड करते हैं, लेकिन पॉजिटिव के केस में आपका डेसिमल जो है वो राइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है, और उसके लेफ्ट साइड पे डिजिट्स ऐड होंगे। और नेगेटिव के केस में क्या होगा कि आपका डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा और राइट साइड पे उसके डिजिट्स जो हैं वो ऐड होंगे, ठीक है। ये आपने बातें क्लियर करनी, ठीक है। 2+1 = 3 आ गया, इस इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे डेसिमल को मूव करके यहाँ पे लेके जाना है, तो आप देखें ये आपका आंसर क्या बन जाएगा, 200, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। दिस 0 इज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, इसकी कोई वर्थ नहीं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 200। अब आप यहाँ पे खुद देखें कि 10 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होता है, 200, ठीक है। और यहाँ से मैं लॉगरिथमिक वे से, ये तो मुझे वैसे मेरी कैलकुलेशन से पता था कि 10 × 20 क्या है, 200, और यहाँ से सारा मैंने लॉगरिथमिक जो था अपने वेज यूज़ किए, लॉग अप्लाई किया, एंटी लॉग अप्लाई किया और उस नंबर को दोबारा गेन कर ली, ठीक है, जो कि है 200। तो ये मैंने सिंपल सी एग्जांपल इसलिए ली थी ताकि आपको साफ नजर आ रहा है कि 10 × 20 = 200, तो हम लॉगरिथम से जब सॉल्व करेंगे तो तब भी हमें आंसर क्या मिला, 200। अब ये नहीं है कि इस तरह की सिंपल कैलकुलेशंस के लिए वो प्रोडक्ट लॉ को या क्वोशेंट लॉ को लॉगरिथम में यूज करते हैं, ठीक है। एक्चुअली जैसे लेवल आपकी स्टडीज का हाई हो जाता है तो हमें कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड अमाउंट्स होती हैं जो कि आम वे से सॉल्व नहीं हो सकती, तो उनके लिए हम इस तरह के प्रोसीजर जो साइट प्रोसीजर्स होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं ताकि हम उन कॉम्प्लिकेटेड अमाउंट्स की प्रोडक्ट क्वोशेंट और जो है अदर उनमें पावर्स इन्वॉल्व हो रही हैं उनके बारे में अच्छी कैलकुलेशन या कोई इफेक्टिव कैलकुलेशन कर सकें, ठीक है। तो आई थिंक के लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया, ये कि आपने इसको प्रूफ को आपने देखना है, ये आपको आना चाहिए, समटाइम ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है, ठीक है। ओके, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।